ये है दिल्ली दर्पण। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। देश के तमाम हिस्सों में गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ विनायक की स्थापना हो रही है। छोटे बड़े और महिला पुरुष सभी वर्ग के लोग अपने घर या पांडालों में गणपति को विराजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के अशोक विहार में भी गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगे और धर्मनगरी गजानन मई हो गयी। इस पावन पर्व पर अशोक विहार के तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने पूजा पाठ और पूरी भक्ति के साथ अशोक विहार के राजा का स्वागत किया। सुंदर और आकर्षक गणपति की प्रतिमा के एक दर्श के लिए आसपास के इलाके के लोग पहुंचे। आठवीं बार धर्मनगरी में बप्पा का स्वागत बेहद भव्य रहा। गणेश जी कहीं पर भी स्थापना हो रही है, वो स्थापना सब लोगों के लिए बढ़िया हो, उनके लिए के खुशियां लेके आए और गणेश जी का आशीर्वाद सबको मिले बराबर रूप में। आठवीं बार गणपति बापा अशोक विहार में पधार रहे, ये बड़ा खुशी का मौका है। गणपति बापा आज अशोक विहार में, एक ये अशोक विहार एक धर्म नगरी बनी हुई है। आज अशोक विहार में करीब 4 इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं और 4 ही इस तरह की शोभा यात्रा निकली है और आज लगता है गणेश जी आज हमारे अशोक विहार में विशेष वर्षा करेंगे और सभी लोगों के दुखों को हरेंगे और यहाँ पर हर एक जितने भी भक्त हैं, गणेश भक्त हैं, सबका वो साथ देंगे और सबका यहाँ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ये हमारा 8वां गणेश महोत्सव है और हम बड़ी धूमधाम से इसको मना रहे हैं और हम आगे 10 दिन तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। भले ही गौरी नंदन का अशोक विहार में ये कोई पहला स्वागत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने बप्पा का स्वागत श्रद्धा भाव और नाच गाने के साथ किया तो आसपास के इलाके के निगम पार्षद भी मौके पर आनंद लेते दिखे। ये पहले ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली के अंदर गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे लग रहे हैं, आज ये श्रद्धा भाव से जिस प्रकार से दिल्ली के निवासी इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और विशेष रूप से अशोक विहार के अंदर आप देख रहे हो, विभिन्न विभिन्न ब्लॉकों के अंदर भी गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा जी, ये वास्तव में अशोक विहार धर्म नगरी है और यहाँ के लोग इतना धर्म कर्म पर चलते हैं कि गणेश जी का आज देख रहे हो आप, ये 23 तारीख तक डेली 7 बजे से 10:30 बजे तक भजन संध्या होगी, उसके बाद प्रसाद का वितरण है और यहाँ तो कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है। अशोक विहार के अंदर सारे मिलजुल के करते हैं ये और ये सबसे बढ़िया एक मैसेज है पूरी दिल्ली का, जितने धर्मनगरी है वास्तव में धर्मनगरी है, जो प्रोग्राम यहाँ होते कहीं नहीं होते। आपको बता दें कि अशोक विहार के राजा 13 सितंबर से 23 सितंबर तक सभी को दर्शन देने वाले हैं। अगर आप बप्पा के दर्शन पाना चाहते हैं तो चले आएं अशोक विहार फेज 1, जहाँ हर रोज भजन संध्या से होगा गणपति का गुणगान। सोनू और शैलेश के साथ डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर